दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अब राशन कार्ड बनाना बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ही अपना किसी का भी राशन कार्ड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो राशन कार्ड बनाने के लिए जो उसका राशन कार्ड मित्र आईडी है वो बिल्कुल फ्री मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको राशन कार्ड का मित्र आईडी आपको कैसे लेना है, राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपका भी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर जैसे ही ओपन करिएगा यहाँ आपको टाइप कर देना है, करना है कॉमन फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है कॉमन। देखिएगा इस तरीके से आपको टाइप करना है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, आपको इतना लिखना है, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। अब जैसे इतना लिख के सर्च करते हैं यहाँ पर जो पहला लिंक देखने मिलता है बस आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेगा देखिएगा आपको ऑल स्टेट के लिए आईडी पासवर्ड मिलने वाला है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सभी स्टेट का यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप देखते हैं वहाँ पर जब क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है इस तरीके का ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, नीचे आना, नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का ऑप्शन, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पे साइन इन विद आधार ओटीपी। तो यहाँ से आधार कार्ड के माध्यम से आप लॉगिन होकर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे आईडी क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साइन इन विद लॉगिन आईडी। अब आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी तो आपके पास नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको देखने का न्यू यूजर, आपको क्या करना पड़ेगा इसी न्यू यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे न्यू यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड न्यू यूजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट नेम टाइप करना, लास्ट नेम टाइप करना, नाम आपको वही टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड पर मेंशन होगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को टाइप करना है, यहाँ अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। लॉगिन आईडी ऐसे ही क्रिएट करिएगा, लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आपको नीचे देखेंगे चेक यूजर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक यूजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लेना है। अगर ये जो यूजर आईडी आप क्रिएट किए हुए हैं अगर ये अवेलेबल रहेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना, फिर से दूसरा एक आपको यूजर आईडी क्रिएट, लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से पासवर्ड, एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट करना है जिसमें कुछ नंबर्स रहे, कुछ यहाँ पर ना कुछ नंबर्स भी रहे, कुछ कैपिटल लेटर रहे। और आपको यहाँ पे देखिएगा पासवर्ड को टाइप करिएगा, वही पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल आईडी को टाइप करना है, सिलेक्ट वन अपने स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तहसील को सिलेक्ट करना है, गाँव को सिलेक्ट करना है, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर देखिएगा कैप्चा कोड जो दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना, चेकबॉक्स को क्लिक करना है। जैसे चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं यहाँ पर देखने मिलता है सबमिट का ऑप्शन, आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ से आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ आपको देखने मिलता है साइन इन या रजिस्टर, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखने मिलता है पब्लिक लॉगिन, आपको पब्लिक लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे पब्लिक लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे आपको जो लॉगिन आईडी आप क्रिएट किए हुए लॉगिन आईडी टाइप करिएगा, पासवर्ड को टाइप करिएगा, चेकबुक कैप्चा कोड टाइप करिएगा, साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आधार के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं तो आपको ऊपर आना है, यहाँ आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है, जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप कर देना, टाइप करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिएगा आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, ओटीपी को यहाँ फिल करना है, फिर से कैप्चा कोड यहाँ पर देखिएगा चेंज हो चुका है तो कैप्चा कोड को फिल कर देना है। और यहाँ पर यूज ओटीपी का ऑप्शन देखने मिलता है, बस आपको यूज ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता तो यहाँ पर देखिएगा रीजनरेट ओटीपी दिया हुआ है, आपको रीजनरेट कर लेना है। यहाँ पर ओटीपी को फिल करने का कैप्चा कोड फिल करिएगा, यूज ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ आपको देखने जाएगा बेनिफिशियरी होम, ठीक है। अब यहाँ आपको देखने मिलता है थ्री लाइन, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे थ्री लाइन पर क्लिक करेगा यहाँ देखिएगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी का ऑप्शन देखने मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। पहले तो आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा स्टेट दिया हुआ है, कुछ स्टेट नहीं दिया हुआ है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आपके स्टेट का यहाँ पे नाम नहीं शो हो रहा है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके स्टेट के लिए हम बना पाएँ। तो चलिए यहाँ पे किसी भी एक स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। जैसे स्टेट को सिलेक्ट करिएगा यहाँ पे देखिएगा सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पहला जनरल डिटेल, एड्रेस डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आरसी मेंबर आपको दिया हुआ है तो ये आरसी इंक्लूडर्स, यहाँ पे एनएफएसए क्राइटेरिया, यहाँ पे फिनिश, ठीक है।
तो मतलब यही सात स्टेप है, सात स्टेप आप लोग जो राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा उसके लिए देख सकते हैं, नीचे आइएगा तो पूरा आपको यहाँ पे डिटेल को फिल करना है, अपने फोटो को अपलोड करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरा आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज आपको सातों पेज को, छः पेज है, छः पेज को फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप करने के बाद आपको सातवें पेज में फिलअप करने के बाद फिनिश कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे फिर से ऊपर चले आना है, ऊपर आपको फिर साइन थ्री लाइन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपका राशन कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।